नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पर 15 वाहनों को जब्त किया गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि सभी वाहनों में प्रवासी मजदूर भर भर के दूसरे शहरों से आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको मुजफ्फरपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सड़क मार्ग के द्वारा 15 वाहनों से दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने 15 वाहनों को जब्त किया। ये बिना किसी आदेश के, बिना किसी जानकारी दिए हुए बिहार के बॉर्डर के अंदर घुस आए थे। लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांटी पुलिस और अहियारपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से इन वाहनों को जब्त किया गया है। चेक पोस्ट के पास इन वाहनों को पकड़ा गया है। साथ ही साथ अब इन्हें कोरोना जांच के लिए भी भेजा जाएगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं मुजफ्फरपुर की, जहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिना किसी जानकारी के बिहार के अंदर आए हुए हैं। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बिहार में कोरोना का संक्रमण कितना बढ़ा हुआ है। 950 से ज्यादा कंफर्म मामले अब तक बिहार में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं, अवैध तरीके से बॉर्डर्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मजबूरी सबकी है, लोगों के पास काम नहीं है, तो लोग चाह रहे हैं कि हम अपने घरों को वापस जाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार और गांव वालों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। आप सरकार को इत्तला करें, जानकारी दें कि हमें यहाँ पर आना है, तमाम व्यवस्थाएँ की जाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आपको अंदर आना होगा, ताकि आपकी जांच की जा सके, ये देखा जाए कि कहीं आपके अंदर किसी तरह का संक्रमण तो नहीं है, कहीं आप और लोगों के लिए खतरा तो नहीं बन सकते हैं। आपको क्वारंटीन किया जाएगा, और क्वारंटीन होने से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भलाई के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अवैध तरीके से लोग बिहार आने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से लॉकडाउन के उल्लंघन को दर्शाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रवासी मजदूर छोटे ट्रक्स में भर कर आ रहे हैं। 15 ऐसे वाहन हैं जिन्हें जब्त किया गया है। इन लोगों के बीच में कोई भी दूरी नहीं है, जबकि अभी के वक्त में कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करें, बॉडी डिस्टेंसिंग करें, एक दूसरे को ना छुएं, एक दूसरे से संपर्क ना रखें। फिर भी भीड़ लगाकर एक साथ किसी भी तरह से ये लोग जिस प्रकार से बिहार में आए हैं, वो इनके साथ साथ इनके परिवार और समाज के लिए भी खतरा बन सकता था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने वाहनों को जब्त कर लिया है। अब इन लोगों की जांच होगी, तमाम प्रक्रियाओं से इन्हें गुजरना पड़ेगा। तस्वीरें मुजफ्फरपुर की आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, जहां पर 15 वाहनों को जब्त किया गया है, सभी में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर भरे हुए थे। तो मजबूरियां हम भी समझते हैं कि दूसरे राज्यों में परेशानियां हो रही है, लेकिन आपको खुद के साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों के बारे में भी सोचना होगा। अगर आप बिना किसी जानकारी के इस तरह से आएंगे, तो हो सकता है आप अपने साथ साथ संक्रमण लेकर आ रहे हो और पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हो। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप बाहर से आना चाहते हो, तो जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं सरकार के द्वारा, आप उन चीज़ों को देखें। वैसे ही आपको सरकार बिहार तक लेकर आएगी। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।